नमस्कार, स्वागत ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कुर्से किसके होगी, इसके लिए महज कुछ घंटों का और इंतजार बाकी है। कल यानी 8 अक्टूबर की सुबह ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा और उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से तय होगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। अब ऐसे में यहां सवाल ये कि क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कमल खिल पाएगा या फिर जनता कांग्रेस का हाथ थामेगी। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही चर्चा इस बात पर भी कि एग्जिट पोल में बीजेपी को कम वोट या हरियाणा की जनता सही में करेगी चोट। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। शो की शुरुआत करें लेकिन पहले सुनिए विधानसभा चुनाव के परिणाम से ठीक एक दिन पहले क्या कुछ पार्टियों की तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सबसे पहले वो सुनिए। कितने दिनों से कह रहा हूं भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। ये जो एग्जिट पोल जो आता है ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया, अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। बीजेपी जो है वो जा रही है, बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में हो रही है। मैं डेवन से कह रहा था कि बीजेपी भांप भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पाएगी जो उसके हश्र होगा। ये तो 20 सीट दिखा रहे हैं, मैं तो 20 भी नहीं मानता, मैं तो 15-16 सीट मानता हूं बीजेपी हरियाणा में आएगी, क्योंकि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह हार रही है और ऐसी जरूरत का मुझे आसार ही कम नजर आ रहे हैं। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी, अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी, अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का दौर चल रहा है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे तभी स्थिति स्पष्ट होगी, यद्यपि मुकाबला खड़ा है। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, हर आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं आप देखना। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। तो चलिए इस वक्त जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूं। राजीव जेटली जी बीजेपी से हमारे साथ हैं इस वक्त पैनल में चर्चा के लिए। विजय कौशिक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस का पक्ष रखते नजर आएंगे। साथ ही INLD से आप देख रहे हैं अमनदीप केसरी जी को। आम आदमी पार्टी से आज आदिल खान हमारे साथ हैं चर्चा के लिए। और मुनीम कुरैशी जी को आप देख रहे हैं JKPC से। और साथ ही आपको नजर आ रहे हैं मेरे दो सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से लाइव हमारे साथ, चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं विशाल इंग्रीश को हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। क्योंकि अब यहां सवाल एग्जिट पोल के नतीजों आंकड़ों के बाद अब कितने ही एग्जैक्ट साबित होंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, आज से ही समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में किसकी सरकार कल और क्या जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा उलटफेर होगा। तो पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं, विशाल का मैं पहले रुक कर लेती हूं। विशाल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यहां जीत के दावे तो हर कोई कर ही रहा है। नायब सिंह सैनी भी कल कह ही रहे थे कि नतीजे हमारे पक्ष में हैं, ईवीएम का रोना कांग्रेस रोती नजर आएगी कल के दिन। उधर CM रेस को लेकर भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहां तो और आगे बढ़ चुकी है पार्टी।